Hi, thank you so much for visiting me channel. Today we are going to discuss about a situation. If someone has tried to putting you in jail, then how can we deal with that situation? हाँ जी, if someone has tried to put you in jail, तब आप उस केस में क्या कर सकते हो? हाँ जी, आज हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है, अगर आपको वो ऐसी कुछ एक्ट कर चुका है, वो कुछ ऐसी झूठा केस आपके अगेंस्ट फाइल कर चुका है कि आपको कितने साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटकर आपको हरेशमेंट झेलनी पड़ी आपको और आपके परिवार को, तो इसके लिए जो मेन कंडीशंस हैं आज हम बात कर रहे हैं अंडर आईपीसी के अंडर। हम सिविल नेचर में नहीं जाते क्योंकि जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन वर्ड है, जो बेसिकली अगर मैं आपको अकॉर्डिंग टू लीगल लैंग्वेज बताऊँ, अकॉर्डिंग टू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इफ़ यू वॉन्ट टू फाइल ए सिविल केस दैन यू कैन गो अंडर टोर्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू फाइल ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग दैन यू हैव टू गो अंडर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। एंड तो जो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है क्रिमिनल लॉ में कहाँ पर है, ये क्रिमिनल लॉ में अंडर सेक्शन 211 बात करता है। जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है अंडर क्रिमिनल, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इतनी हरेशमेंट झेलनी पड़ी है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस कि आप उस बंदे को, वहाँ पर सेक्शन 211 ऑफ द आईपीसी बात करते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, अगर कोई पर्सन आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स, कुछ ऐसे केस फाइल कर चुका है जिसमें आपको इतने सालों से हरेशमेंट झेलनी पड़ी हो विद इंटेंशन कि वो जानता है आपने वो क्राइम कमिट नहीं किया, और वो पर्सन आपके अगेंस्ट कुछ भी ऐसी झूठी एफआईआर लिखवा के आपके अगेंस्ट केस फाइल करता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है, और उसमें आप एट लास्ट आकर फ्री हो जाते हो, तो आप उस केस में अंडर सेक्शन 211 केस फाइल करके उस बंदे को भी जेल में पहुंचा सकते हो। हाँ जी, जो सेक्शन 211 है वो बात करता है अगर कोई ऐसा व्यक्ति विद इंटेंशन विदाउट ड्यू केयर वो आपको कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स में फंसाकर आपके अगेंस्ट आपकी गुडविल और रेपुटेशन को हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल करता है, तो यहाँ पर उसको, और आप लास्ट में आकर उसमें एक्विट हो जाते हो, आपको फ्री ऑफ चार्ज कर दिया जाता है बाय कोर्ट, तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट अपनी मानहानि को नुकसान पहुँचाने के लिए, अपनी गुडविल को नुकसान पहुँचाने के लिए उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। हाँ जी, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब ही ये है कि दुर्भावना से किया गया केस, दुर्भावना से की गई क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर क्रिमिनल लॉ,